देखिए हम एक्सरसाइज 5.9 में कर रहे थे क्वेश्चन नंबर। अब हमें क्या करना था, लाल अंक पर किसे इसे हमें चेक करना था कैसे हमारा सही है। तो डिवाइडेंड हमारा कितना है 95 है, तो हमें क्या करना है यहां पर 95 सबसे पहले ये क्वेश्चन हमारा 31 लिखेंगे और डिवाइजर हमारा कितना है 3। ये आपको पहले बताया था इसका डिवाइजर है और प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है 2। तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 + 3 = 93 प्लस 2 कितना आ जाएगा आपका 95 आ जाएगा, जो कि डिवाइडेड बाय कितना है 95 हो जाएगी। या आंसर क्या बिल्कुल सही है। इसी तरीके से जितने क्वेश्चन है बाकी आपको करने के लिए हम आपको बार बार डिवाइड ये जो है चेक करना वेरीफाई करना बार बार आपको नहीं होता है, बिल्कुल यही क्वेश्चन लगाएंगे डिवाइडेड इक्वल टू क्वेश्चन मल्टीप्लाई डिवाइडर प्लस रिमाइंडर। क्वेश्चन ये होता है, डिवाइजर ये होता है और रिमाइंडर ये होता है। ये आप इससे पहले एक्सरसाइज में कर सकते हैं। ये हुआ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे देखते हैं। 7 × 69 डिवाइडेड बाय 5, तो डिवाइड करते हैं 69 5, तो 5 का टेबल हमें पढ़ना है कितना आता है 6, तो 1 टाइम पढ़ेंगे 5 आएगा 2 टाइम में 10 आएगा, यानी कि 1 से 10 पढ़ सकते हैं 1 टाइम। 5 होगा 5 − 7 कितना बचेगा 1 बचेगा, अब 9 को रेशियो उतारेंगे ये कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। अब 5 का टेबल पढ़ना है कितना आता है 19, 5 × 5 = 10, 5 × 15 = 20, तो 4 बार में ज्यादा हो जा रहा है तो क्या करना पड़ेगा 3 टाइम्स ही पढ़ना पड़ेगा। तो 3 टाइम्स का मतलब कितना आएगा 15 आएगा, जितना आएगा आप कितने माइनस कर देंगे 9 − 4 ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद अब इसको क्या करना है वेरीफाई कर लेना है, इस प्रोसेस से डिवाइडेड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। इसमें एक और क्वेश्चन को आप लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। 68 डिवाइड करना है इसमें 3 से, देखिए 68 अंदर लिखते हैं 3 बार 3 का टेबल पढ़ना है सबसे पहले कितना आना है 6, तो 3 बार करते हैं 6 उतार जा रहा है माइनस 0 हो जाएगा, 8 उतारते हैं 3 का टेबल पढ़ना है हमें कितना आना है 8, 3 बार करते हैं 3 × 6 = 9, 3 बार में ज़्यादा हो जा रहा है टाइम आ रहा है इसका मतलब केवल 2 टाइम जाएगा, 2 टाइम कितना आता है 6 आता है माइनस 2 बन जाएगा। उसके बाद इसका भी बदलने डिवाइडेड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर देखते हैं कि आपका वो वेरीफाई हो गया। ये भी हमारे एक्सरसाइज 5.9। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे एक्सरसाइज को देखते हैं 5.10। टेबल पढ़ना है तो जैसा बताया गया है एक डिजिट बाहर है तो एक डिजिट अंदर, लेकिन यानी 5 का टेबल पढ़ना है आपको कितना आना है 6, तो 5 × 5 = 5 × 10, 2 टाइम में ज्यादा हो जाएगा इसका मतलब बढ़ जाता है 5 × 5 होगा माइनस 10 कितना बचेगा 1 बचेगा। अब इसके बगल में हम आगे डिजिट को क्या करते हैं उतार एक डिजिट की वैल्यू करते हैं, अब क्या हो गया 90, 5 का टेबल पढ़ेंगे 5 × 15 = 5 × 20, 4 टाइम में ज्यादा हो जा रहा है इसका मतलब कितने टाइम जाएगा 3 टाइम जाएगा, कितना आएगा आपका 15 आएगा माइनस 24 बचेगा 0, फिर माइनस करने के बाद फिर अगले डिजिट को हम क्या करेंगे उतार और ये तब तक करते हैं कि जब तक जितने डिजिट यहाँ पर होंगे। अब 0 उतारने के लिए कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, अब 5 का टेबल पढ़ना कितना आना है 40, 5 × 8 = 40, यानी एक बार में बिल्कुल ठीक 40 आ रहा है, लेकिन 5 × 8 = 40 − 7 = 0, और तो हमें क्वेश्चन बताना था तो हमारा क्वेश्चन कितना आता है, तो
क्वेश्चन हमारा आज का 100। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5, 8, 9, 6 डिवाइड करना है कितने से? 8 से। एक के बाहर एक के अंदर है। एक का इधर पढ़ेंगे, एक आने के लिए 1 9 कितना रहेगा? 8 आ जाएगा। माइनस करेंगे कितना बचेगा? 0 बचेगा। हम माइनस करने के बाद क्या करते हैं? एक डिजिट को नीचे उतारते हैं। अब एक का इधर पढ़ना है कितना आना है? 9। 8 × 8 = 16, 2 times में ज्यादा हो रहा है, केवल 1 time जाएगा, कितना आएगा हमारा? 8 आएगा, माइनस करेंगे 1 बचेगा। अब इसके बाद में अगले डिजिट 6 उतारते हैं, कितना हो गया? 16। अब 8 का डिजिट पढ़ना है, कितना आना है? 16। 8 × 8 = 16 होगा, माइनस करेंगे 0 बचेगा। तो क्वेश्चन आपका कितना आता है? 112 आता है। ये आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 12। थ्री का टेबल पढ़ना है, सबसे पहले कितना आना है? 3, क्योंकि एक डिजिट बाहर है, एक डिजिट अंदर है। पहले थ्री बंदा 3 आएगा, माइनस करने हमारा 0। अब अगले क्वेश्चन 5 को उतारते हैं। 3 का टेबल पढ़ना है, 5 करना है, 3 × 3 = 6, 2 बार ज्यादा हो रहा है, 1 time पढ़ेंगे हो जाएगा, 2 बचेगा, अगले डिजिट 27। 3 9 = 27 पूरा बाहर आ जाएगा, माइनस करेंगे 0। अब क्वेश्चन कितना है? 109। ये हुई आपकी एक्सरसाइज 5.5। तो आज क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं, ठीक है? सलाम।